18 साल में पहली बार न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंची थी 3 ओडीआईज और 5 टी20 की सीरीज खेलने के लिए। 17 सितंबर और 3 अक्टूबर के बीच शेड्यूल किए गए इस टूर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। उम्मीदें पाकिस्तान में वापस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू करने की, उम्मीदें कुछ पैसा कमाने की और उम्मीदें क्रिकेट जगत में फिर से अपनी पहचान बनाने की। लेकिन रावलपिंडी में पहला ओडीआई शुरू होने के कुछ ही घंटे पहले खबरें आनी शुरू हो गई कि दोनों ही टीम्स होटल में ही हैं, दर्शकों को स्टेडियम में आने की परमिशन नहीं है और कयास लगने शुरू हो गए कि शायद कोई कोरोना का केस आया है। लेकिन कुछ ही देर में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज रद्द करने की घोषणा कर दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया कि न्यूजीलैंड की सरकार ने पाकिस्तान से जुड़े थ्रेट लेवल्स में अचानक वृद्धि कर दी है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने टूर कैंसिल करने की सलाह दी है। इसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से अपने देश लौटने का फैसला कर लिया और पीसीबी एक बार फिर से खाली हाथ रह गया। पीसीबी रद्द दौरे को यूनिलैटरल यानी एक तरफा डिसीजन कह रहा है। पीसीबी की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक पीसीबी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने विजिटिंग टीम के फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तैयार किए थे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को इसकी अश्योरेंस भी दी थी। यहां तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात कर उन्हें आश्वस्त किया था कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस सिस्टम दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में गिना जाता है और न्यूजीलैंड की टीम को किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन तब तक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अपना मन बना चुका था और सीरीज खेलने की अब कोई संभावना नहीं थी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का ये दौरा करने अपनी 2003 की ओडीआई सीरीज के 18 साल बाद पहुंची थी। 2003 की वो सीरीज भी न्यूजीलैंड की 2002 की रद्द सीरीज की कंटिन्यूएशन थी, जो कि कराची के होटल में हुए एक बम धमाके के बाद कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन अपने 2021 होम इंटरनेशनल सीजन के लिए पीसीबी ने काफी तैयारी कर रखी थी। इंग्लैंड की मेन और वुमेन्स टीम को भी अगले ही महीने पाकिस्तान में खेलना है और ऐसे में न्यूजीलैंड का अचानक सीरीज रद्द कर देना पीसीबी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।